हेलो गर्ल्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैं सभी बच्चों का आज फिर से स्वागत करती हूँ अपने लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। क्लास एट्थ के लिए मैं पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसी चैप्टर के आगे से मैं परिमेय संख्याओं के आज गुणा करना बताऊंगी सभी बच्चों को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, अपने अपने घरों में अच्छे से फिटफाट होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग सीखें आज परिमेय संख्याओं के गुणा करना। परिमेय संख्याओं के गुणा, मान लीजिए हमने कोई दो परिमेय संख्याएं ले ली, यह हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है और यह हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है। तो जब किसी भी परिमेय संख्याओं की गुणा करी जाती है, अर्थात किसी भिन्न वाली संख्याओं की गुणा करी जाती है, तो हमेशा ध्यान रखा जाता है कि हमारी अंश की अंश से गुणा होती है और हर की हर से गुणा होती है, यानी ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुणा और नीचे वाले की नीचे वाले से गुणा। लेकिन यदि परिमेय संख्या हमारी कट रही हो से मतलब है कि हमारी डिविजिबल हो किसी भी नंबर से, तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। फिलहाल पहले तो मैंने ऐसी परिमेय संख्या ली है जो कोई किसी से नहीं कट रहा, ना 3-5 से कट रहा है, ना 4-7 से, ना 3-7 से, ना 4-5 से। तो ये अपने आप में निम्नतम पदों में है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे अंश की अंश से और हर की हर से। तो ऊपर की ऊपर से हो जाएगी, तो सिंपल है 3-4 12, ठीक, अपॉन 5-7 35। अब चूंकि साइन यहाँ पर हमें दिख रहा है, सिंगल एक माइनस साइन है, तो माइनस साइन लग जाएगा, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक तो इस तरीके का आपके सामने सवाल आ गया। सीधे है कि जब कोई दो परिमेय संख्याएं मिलती हैं और यदि ये परिमेय संख्याएं किसी से भी विभाजित नहीं है, यानी किसी से भी नहीं कट रही हैं आपस में, तो हम सीधे सीधे अंश की गुणा अंश से कर लेते हैं और हर की गुणा हर से। बच्चे अंश और हर कोई भी नहीं समझ पा रहे, तो अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। अभी एक सवाल आपके सामने मैं और दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से है। -14/9 इंटू, ये भी गुणा हो रही है -27 से। देखिए ये भी परिमेय संख्या है, बच्चे कहेगा नहीं मैम ये परिमेय संख्या है, ये नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब हमारे पास कोई पूर्णांक होता है तो उसको हम परिमेय संख्या बड़ी आसानी से बना लेते हैं, उसके हर में एक लिख लेते हैं। तो हम इसी वाले सवाल को कुछ इस तरीके से लिख देंगे, -14/9 इंटू -27/1। तो बच्चों ये आपकी क्या हो गई, ये भी एक परिमेय संख्या के रूप में हो गई। तो अब इस तरीके की परिमेय संख्या मिलने से पहले हमने चिन्हों को पहले प्रॉपर तरीके से ध्यान में दे दिया, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सो माइनस साइन तो हट गए, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये बचा 14/9 इंटू 27/1। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर संख्याएं कुछ कट रही हैं। यदि आप गौर करें तो 9 से 27 कट रही है, देखिए। और काटने का तरीका भी देख लीजिए, हमेशा अंश को हर से काटेंगे और या फिर क्रॉस वे में काटेंगे, इस तरीके से या इस तरीके से, कभी भी ऊपर का ऊपर से नहीं काटा जाता, हमेशा ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये 9 से 27 कट रहा है, तो 9 1 9, 9 3 27। सो अब हमारा नंबर हो गया 14/1 इंटू 3/1। हम 1 लिखे या न लिखे उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वही सेम नंबर रहता है। तो इट मीन्स आपका नंबर फाइनल आ गया 14 इंटू 3। 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 3 42, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। तो एक इस तरीके का मैंने आपको सवाल बता दिया कि सवाल कुछ इस तरीके से था, जहां पर 27 सिर्फ लिखा था, कोई परिमेय संख्या नहीं थी, तो इसको हमने परिमेय संख्या बनाने का तरीका हुआ कि उसको 1 कर दिया, ठीक है, और चिन्हों को देख लिया, माइनस माइनस प्लस कर लिया। अब इस तरीके से एक मैं आपको सवाल सामने रख दूं, एक और दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको हर तरीके से कंफर्म हो जाए कि कोई मल्टीप्लिकेशन में किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टीज ना आए और आपको सारे क्वेश्चंस इजी लगे। ये क्वेश्चन है ऑलरेडी परिमेय संख्या के फॉर्म में है, अब इसको आपने कैसे करना है, कुछ नहीं, वही अंश की अंश से मल्टीप्लाई और हर की हर से। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आप बच्चों देख लो, कोई संख्या क्या किसी से कट रही है, कट रही है तो पहले काट लो, जिससे कि वो इजी हो जाए, यानी वो अपने निम्नतम पदों में आ जाए और उससे हमें मल्टीप्लाई करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। सो यह माइनस है तो माइनस आपका बाहर हो जाएगा,
और ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ऊपर से गुणा होती है और नीचे की नीचे से, तो 49 इंटू 39 ये हो जाएगा 26 अपॉन 14। अब तुम ध्यान दो तो यहाँ पर 7 से 7 टू जा 14, 7 7 जा 49, ठीक सही काटा, इसी तरीके से काटा जाएगा। ठीक, अब एक हमेशा देखो याद रखना बच्चों, कटने को तो अभी ये भी कट जाएगा, जब जैसे कहते हैं ना कि बच्चों सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हम लोग ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे उतरते हैं तो एक एक स्टेप रख के उतरते या चढ़ते हैं, कभी एकदम नहीं होता कि तीन या चार स्टेप रख के हम चढ़ गए या तीन या चार स्टेप करके उतर गए, ऐसे ही हमारा मैथ्स भी है, स्टेप बाय स्टेप करो, एक स्टेप में एक ही बार में नंबर कट करो जिससे कि क्लियर है। यहाँ पर हमने 7 से नंबर काटा, 7 टू ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, सो नंबर हमारा बन गया अब -7 अपॉन 39 इंटू 26 अपॉन 2। अब यदि इसको ध्यान दो तो ये 13 से कट रहा है बेटा, 13 टू जा 26 क्लियर, और 13 थ्री जा 39, वैसे ये इससे भी कट रहा था लेकिन आप एक एक कर लो, कोई भी तरीका कर सकते हो, पहले 2 से 26 काट लेते लेकिन हमें लग रहा कि हम सीधे इससे काट लिए, तो ये हमारा, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रही जिससे कि आपको इजी हो जाए, इसके ही नीचे ये हो जाएगा -7 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 2। अब तुमने देखा कि मेरा 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, तो जब 1 आता है तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई सेम वही नंबर रहेगा, तो 7 वन ज़ा 7 और 3 वन ज़ा 3, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने परिमेय संख्याओं की गुणा में सीखा कि जब कोई परिमेय संख्या हमारी होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या यदि किसी से डिवाइड नहीं हो रही, किसी से नहीं कट रही, तो हम क्या करेंगे, अंश की गुणा अंश से कर देंगे और हर की गुणा हर से कर देंगे। दूसरा हमने देखा कि यदि कोई संख्या कट रही होती है तो हम पहले उसको काट लेते हैं जिससे कि हमें गुणा करने में क्या हो, आसानी हो जाए, इजी हो जाए हमारे लिए वो, तो हम पहले काट लेते हैं, और काटने का तरीका था या तो अंश को हर से काटोगे या क्रॉस वे में काटोगे, यानी ऊपर का नीचे वाले से, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गई परिमेय संख्याओं की गुणा, अब परिमेय संख्याओं की गुणा के ही चलते हम इनके प्रगुणों को भी